हे गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मोटोरोला एम के एक्सचेंज ऑफर के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस फोन पे हमें कैसे और कितना डिस्काउंट मिलेगा, और फिर बहुत कुछ दोस्तों। सो गाइस, दिस इज आवर दोस्त संजय, वेलकम टू टेक्निका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लेनोवो कंपनी ने अपने मोटोरोला एम को मुंबई में आयोजित एक इवेंट में मंगलवार को लॉन्च कर दिया था, और इसे थर्सडे को फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए अवेलेबल करवा दिया गया था। तो दोस्तों, इस फ़ोन के दो वेरिएंट हैं जो कि इसके मेमोरी और इसके रैम पे डिपेंड करता है। जो कि पहला है वो है 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल, जिसकी प्राइसिंग है 15,999 अप्रॉक्स 16,000 रुपीज़। और दूसरा जो है वो है 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल, जिसकी प्राइसिंग आपको देनी होती है 17,999 अप्रॉक्स 18,000 रुपीज़। तो दोस्तों, कस्टमर्स को लुभाने के लिए फ्लिपकार्ट ने कई सारे ऑफर्स भी लॉन्च किए हैं। जैसा पहला ऑफर है एक्सचेंज ऑफर का, जिस किसी भी यूज़र को मोटोरोला एम लेना है वो अपना पुराना स्मार्टफोन दे करके मोटोरोला एम की कीमत पे डिस्काउंट पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, अगर आपको मोटोरोला एम 4 GB वेरियंट लेना है जिसकी कीमत 17,999 रुपये है, और आपके पास एक पुराना फ़ोन है जो कि मोटोरोला थर्ड जनरेशन है, तो जब आप मोटोरोला थर्ड जनरेशन देते हैं तो आपको 4,960 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, और एक्स्ट्रा पिकअप कॉस्ट आपको 50 रुपये देने होते हैं। तो फाइनल प्राइस जो आपको मिलता है डिस्काउंट करके, वो आपको देना होता है 13,079 रुपये। तो दोस्तों, मैंने जो एग्जांपल दिया वो मोटोरोला थर्ड जनरेशन का था। ऐसा नहीं है कि आप मोटोरोला का ही फ़ोन दीजिए या फिर थर्ड जनरेशन ही दीजिए, आप अपना कोई भी स्मार्टफोन, किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन दे सकते हैं। जब भी आप एक्सचेंज ऑफर में जाएंगे तो आप अपने स्मार्टफोन का ब्रांड सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन का मॉडल नंबर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपके स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट आपको बताएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट ऑफर की बात करते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके इस फ़ोन को खरीदते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, और वही आप अगर सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से इस फ़ोन को खरीदते हैं तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल मिलता है, जिसकी सबसे कम EMI दर है 776 रुपये। दोस्तों, इसके अलावा आपको मोटोरोला प्लस 2 वायर्ड हेडसेट भी मिलता है, जो आपको अलग से खरीदना होगा, और इसकी कीमत 499 रुपये रखी गई है। दोस्तों, मैं आपको इस फोन के फीचर के साथ साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी बताऊंगा कि इस फोन के बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या क्या हैं। तो चलिए इसके फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले अगर हम लोग इसके डिस्प्ले से शुरुआत करें तो इसके डिस्प्ले में मिलता है 5.5 इंच IPS डिस्प्ले, जो कि 2.5D कर्व ग्लास के साथ आता है, और इसका स्क्रीन रिजोल्यूशन 1080x1920 पिक्सल है, और इसके PPI डेंसिटी की हम लोग बात करें तो इसमें 401 PPI डेंसिटी हमें मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें प्रोसेसर जो मिलता है वो है मीडियाटेक हेलुई P15 का प्रोसेसर हमें मिलता है, और इसका CPU ऑक्टा कोर 2.2 GHz कोटेक्स A53 CPU, और इसका GPU मेल T860MP2 GPU हमें मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसके कैमरे की बात करें तो इस फ़ोन में हमें जो कैमरा मिलता है वो 16 MP का F2.0 फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस LED फ्लैश कैमरा में मिलता है, और सेकेंडरी कैमरा हमें 8 MP का मिलता है। तो दोस्तों, दोनों ही कैमरे से हम लोग 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग इस फ़ोन के मेमोरी की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 32 GB और 3 GB रैम और 64 GB और 4 GB रैम, दो वेरिएंट में मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस फ़ोन का स्टोरेज हम 256 GB एक्सटर्नल माइक्रो एसडी कार्ड के साथ लगा के बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन में हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट है, जिसमें आप सेकेंड सिम में मेमोरी कार्ड के साथ आप सिम कार्ड लगा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग इस फ़ोन के बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में हमें जो बैटरी मिलता है वो नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन 350 mAh की बैटरी हमें मिलती है। तो दोस्तों, इस फ़ोन की अगर हम लोग फीचर की बात करें, एक्स्ट्रा फीचर की बात, तो दोस्तों इस फ़ोन में जो हमें जो फीचर मिलता है वो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मिलता है, जो कि पीछे की तरफ होता है, और इसमें हमें लेनोवो का डॉल्बी एटमस फीचर भी हमें मिलता है साउंड क्वालिटी में। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स इस फ़ोन में हमें मिलते हैं।
तो दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इस फ़ोन को लेकर के ये है कि आप अगर फ़ोन लेना चाहते हैं, एक अच्छा सा फ़ोन लेना चाहते हैं और आपके लिए फ़ोन मतलब मायने रखता है, आप उस फ़ोन को बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रांग सा फ़ोन लूँ जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर हो, बहुत अच्छा डिस्प्ले हो, बहुत अच्छा कैमरा हो और भी बहुत कुछ दोस्तों, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस फ़ोन की तरफ अप्रोच ना करें, क्योंकि इस फ़ोन में ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन दिखे नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। मोटोरोला G4 को ले लीजिए, मोटोरोला G4 के अकॉर्डिंग जैसा कि G4 में आप कैमरा बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है, तो दोस्तों इस फ़ोन में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, मतलब हाँ कैम सब कुछ अच्छा है मतलब, लेकिन जैसा कि अब कहें कि अब इस फ़ोन को अप्रोच करते हैं क्योंकि ये मोटोरोला ने लॉन्च किया है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर होंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी, ऐसा कुछ है नहीं इस फ़ोन में। नॉर्मली मोटोरोला के जो अभी मिड रेंज फ़ोन आए हैं उसी के हिसाब से ये भी फ़ोन एक नॉर्मल टाइप का ही एक रोल प्ले कर रहा है, तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप वेट करें और 2017 में कोई नया फ़ोन, क्योंकि 2017 आने वाले 2017 में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, तो वेट करें और देखें, क्योंकि 2017 में आपको कोई ना कोई अच्छा फ़ोन मिल जाएगा अगर आप वेट कर सकते हैं तो, नहीं तो ये फ़ोन भी बुरा नहीं है। जैसे कि आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैन पीछे मिलता है और एटमस, लेनोवो जो एटमस डॉल्बी साउंड जो देता है वो आपको इस फ़ोन में मिलता है, और ये फ़ोन मोटोरोला लवर्स हैं आप और अभी तक आप प्लास्टिक का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मोटोरोला का, जैसा कि पहले मोटोरोला ने दिया था, ये पहला मेटल का फ़ोन है, तो अगर आप नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ यही हैं कि आप 2017 में आने वाले फ़ोन का वेट करें और कुछ अच्छा सेलेक्ट करें, उसके बाद लीजिएगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज़ आशुतोष रंजन साइनिंग ऑफ एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।